मैं आपको सेकंड ऐसे लिखवाने जा रही हूँ। फर्स्ट ऐसे जो है वो आपको क्लास में टीचर लिखवा चुकी है, आज मैं आपको सेकंड ऐसे लिखवाने जा रही हूँ जो कि क्लीन लाइन पर है। देयर आर मेनी एसेंशियल थिंग्स दैट वी नीड इन लाइफ लाइक फूड, वाटर एंड क्लोथ्स। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी जिंदगी में जरूरी है, जिस तरह से खाना पानी और कपड़े हैं, यानी जिस तरह से खाना पानी और कपड़ों की हमारी जिंदगी में जरूरत है, इसी तरह दूसरी और भी बहुत सारी चीजें हैं। अनदर थिंग दैट वी नीड इन लाइफ इज क्लीन लाइट्स। दूसरी जो चीजें हैं जो कि हमारी जिंदगी में जरूरी है वो है सफाई। इट इज इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू लर्न क्लीन लाइट्स एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। ये बहुत ही अहमियत की चीज है कि हमें इट इज इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू लर्न क्लीन लाइट्स। ये बहुत अहम है कि हम क्लीन लाइट्स को सीखें एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। क्लीन योर बॉडी फर्स्टली, सबसे पहले आप अपने जिस्म को साफ करें। अवॉइड ईटिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर की चीजों को खाने से परहेज करें। डोंट ड्रिंक वाटर फ्रॉम हाइजेनिक प्लेस, अनहाइजेनिक प्लेसेस, बिकॉज इट मे बी हार्मफुल टू यू। और ऐसी जगह से जो कि सेहत पे मबनी जगह ना हो या सेहत के असूल पे मबनी जगह ना हो, ऐसी जगह से पानी पीने से गुरेज करें, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदार साबित हो सकती है। कटिंग योर नेल्स इज वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ पर्सनल हाइजीनिक। अपने नाखूनों को काटना, आपका अपने नाखूनों को काटना जो है वो बहुत ही जरूरी है सेहत, जाती सेहत के लिए अपने नाखूनों को काटना जो है बहुत ही जरूरी है। क्लीन योर सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द की जगह को साफ करें एंड कीप योर सेल्फ फ्रेश, और अपने आप को फ्रेश रखें। ओके स्टूडेंट, ये मैंने आपको ऐसे लिखवाया है और इसको बहुत क्लियर तरीके से आप देखें, और एक एक स्पेलिंग जो है बहुत नीट एंड क्लीन लिखा होना चाहिए। अमूमन यह होता है कि आप स्पेलिंग बहुत ज़्यादा रॉन्ग करते हैं और टीचर उसकी करेक्शन करती है, जिसकी वजह से आपकी कॉपी रेड हो जाती है। तो कोशिश करें कि स्पेलिंग गलत ना हो, बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखिएगा ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। ओके स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है ऐसे और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लिखा होगा। और देखिए, बार बार मैं ताकीद कर रही हूँ कि ना सिर्फ आपको ये नीट एंड क्लीन तरीके से लिखना है बल्कि स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए और इसको याद भी करना है। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।